नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स विद मी के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि एक भर्ती है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आई हुई है। ये देखिए, आपको मैं उसका ओरिजिनल पीडीएफ है वो दिखाता हूँ। देखिए, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10th एंट्री, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर 10th वालों के लिए यह भर्ती है वो आई है। और किस तरह की पोस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर कुक और स्टीवर्ड की पोस्ट है वो दी गई है। और जिसके अंदर एज क्राइटेरिया है दोस्तों वो 18 से लेकर 22 साल है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और एससी कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स उनके आए हुए होने चाहिए। एससी एसटी के लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो दिया गया, यानी कि उनके 45% मार्क्स हैं वो होने चाहिए दोस्तों। अगर हम आगे इसकी बात करें तो इसके अंदर पे और अलाउंस है वो लेवल 3 के अंदर आपको दिया जाएगा, यानी कि जो आपका एज ए स्केल पे है, पे स्केल है वो 21,700 रुपये प्लस उसका जो डेयरनेस अलाउंस वगैरह है वो और जुड़ करके इसके अंदर 26,27,000 रुपये आपकी सैलरी जो रहेगी। और प्रमोशन है इसके अंदर वो प्रधान अधिकारी तक यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि लेवल 7 के अंदर आता है 47,600 रुपये जिसकी पे स्केल यहाँ पे रहती है, तो यहाँ तक इसका प्रमोशन आगे रहता है दोस्तों। तो आगे हम बात करें कि इसके अंदर आपको जो फॉर्म है वो 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में दोस्तों यहाँ पे भरना है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म है वो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाकर के आपको 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में भरना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वेबसाइट है बहुत ही जल्दी क्रैश हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि 5-6 जून को ही इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना भर लें। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है साफ साफ किसके अंदर इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, अपॉर्चुनिटी को आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नाविक जीडी 10th एंट्री के लिए 2019 बैच के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आई एग्री का बटन क्लिक करने के बाद फॉर्म है वो आपको वहाँ पे खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके जो फॉर्म है सारी की फॉर्मेलिटीज़ स्टार मार्क वाली आपको भर देनी है, और 10 से 40 केबी के अंदर आपकी इमेज और 10 से 30 केबी के अंदर आपके सिग्नेचर आपको जो है अपलोड यहाँ पे करनी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जून जुलाई के अंदर जो है इनके द्वारा आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके एडमिट कार्ड है दोस्तों वो 20 जून से 26 जून के बीच में यहाँ पे आएंगे। तो मैं बता दूं कि इनकी जो कट ऑफ है जो बुलाते हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी हाई रहती है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को 5 जून आते ही ज़रूर अप्लाई कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फिजिकल फिटनेस होगा अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं तो, जिसके अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 7 मिनट के अंदर, और 20 उठक बैठक आपको यहाँ पे लगानी है, और 10 पुशअप्स आपसे लगवाई जाएंगी। ये इसके अंदर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट जो है रहता है, ये अगर आप क्लियर कर देते हैं तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट यहाँ पे लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।